हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज निकीस व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं रायपुर अपने घर, और मेरे साथ जा रही मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई और हमारा प्यारा सा जैक, जिसको मेरी बहन जो है वो पकड़ी हुई है। और ये वो अच्छे से बैठा था, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा इधर उधर जो है कार हो रहा है। इस कारण हमारा जैक जो है थोड़ा उछल रहा है, तो पैनिक हो रहा है क्योंकि वो पहली बार सफ़र कर रहा है कार में। इसलिए यहाँ कंस्ट्रक्शन जो है बहुत दिनों से हो रही है, लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी, तो अब ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है। और आगे का रोड जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम पहुँच गए रायपुर, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी को वहाँ थोड़ा सा काम था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भीड़ है, और बहुत ही सनी डे है आज। हमेशा बारिश होती रहती थी दो दो तीन तीन दिन में, लेकिन अब आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और देखिए हम पहुंच गए यहाँ हॉस्पिटल, और यहाँ हम बैठे हुए हैं। मेरे साथ बैठी है मेरी दीदी, मैं और हमारा प्यारा सा जैक। देखिए यहाँ पर जो जैक है हम उसको बैग में रखे हुए हैं, और वो बहुत सहमा सा बहुत ही शांत हो गया है, क्योंकि पहली बार जो है कार में सफ़र किया है, तो शायद उसको अच्छा ना लग रहा हो। और देखिए यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसको कितने अच्छे से डेकोरेट किए हैं, लीफ से, कलरफुल लीफ से, आर्टिफिशियल है। और मेरा भाई यहाँ उसको थोड़ा फाड़ने जैसे कर रहा था, तो मैं उसको थोड़ा डांट रही थी। और यहाँ पर मम्मी हम लोग को एक प्राइवेट सा रूम दिला दी, ताकि हम लोग रेस्ट करें, क्योंकि डॉक्टर को आने में अभी बहुत टाइम था, 2 घंटे थे एटलीस्ट, क्योंकि इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। हमारे चैक भी नीचे जो है आराम कर रहा है। और यहाँ सब चीज़ की सुविधा है, 2 बेड है, और यहाँ पर जो है बाथरूम भी है, और कर्टेंस वगैरह वाला विंडो है, तो उतना कोई हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करेंगे, और मेरा भाई जो है बाहर गया है कुछ लेने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को आए जो है बहुत टाइम हो गया है, तो थोड़ी सी हम लोग को भूख लग रही थी, तो मम्मी के साथ गया है। और यहाँ पर मेरा भाई जो है आ गया हम लोग के लिए, कुछ खाने के लिए लाया है, सिर्फ पैकेट थिंग्स लाया है, तो हम लोग उसी को खाएंगे अभी। और यहाँ पर मेरा भाई केक लाया है, मुझे केक खिला रहा है। देखिए अब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था वो केक जो है। और मेरी दीदी जो है कुरकुरे वगैरह खा रही है, और हमारा जैक जो है मांग रहा है, वो मांगता है लेकिन ना ज़्यादा खाता नहीं है, थोड़ा सा ही खाता है, उसके बाद सब छोड़ देता है, घास ही ज़्यादा खाता है। यहाँ पर मेरा भाई और मैं जो है कुरकुरे खाएंगे एक साथ, और मेरी दीदी जो है अलग से खा रही है कुरकुरे। वो सोई हुई थी तो थोड़ा सा अभी उठी है थोड़ा खाने के लिए। यहाँ मेरा भाई और मैं जो है खा रहे हैं, हमेशा मेरे भाई और मैं ही खाते हैं कुरकुरे को एक साथ, क्योंकि मेरा भाई जो है कुरकुरे पैकेट रख देता है, उसके बाद हम दोनों जो है आराम से खाते रहते हैं। और देखिए मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा पैकेट थिंग्स खा रहा है, मैं उसको डांटती रहती हूँ ज़्यादा मत खा करके, क्योंकि उसको पेट दर्द हो जाता है ज़्यादा खाता है तो, लेकिन अब खा रहा है बाहर है। तो यहाँ पर मेरी दीदी जो है उसके बाद सो के उठ गई है, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि हम लोग को बहुत टाइम हो गया है, और डॉक्टर भी आ चुके थे, मम्मी का काम जो है हो चुका था, तो अब हम लोग जाएंगे अपने घर। तो अब रूम से हम लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग कार में बैठेंगे और अपने घर के लिए जाएंगे। यहाँ पर मैं उतर रही हूँ स्टेयर से, और देखिए ये रहा रिसेप्शन, और टीवी भी है, और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जो स्लीपर्स थे बाहर ही निकाले थे, तो हम लोग स्लीपर्स ही पहन रहे हैं, मेरा भाई, मैं शूज़ पहन के आई हूँ, क्योंकि बहुत ही सनी डे था,
तो मैं उसके हिसाब से शूज़ पहन के आई हूँ। और यहाँ पर हम लोग कार में अभी जाएंगे और हम लोग यहाँ कार में बैठ चुके हैं। मेरी दीदी के साथ मैं बैठी हूँ, अभी बीच में बैठी हूँ, उस समय मैं साइड में बैठी थी। और हमेशा हम मेरे को साइड में बैठना अच्छा लगता है क्योंकि खिड़की रहती है। और हमारी कार में हम हमेशा साइड में ही बैठते हैं, मेरी दीदी पापा वाले साइड और मैं मम्मी वाले साइड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और जाते जाते हम थोड़ा नाश्ता भी करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ पैकेट थिंग्स खाए थे, हम लोग ज़्यादा भी नहीं खाए थे, वो थोड़ा सा ही खाए थे। तो हम जाते जाते थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो बीच में ही हम लोग नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर आ गए हम लोग नाश्ता करने होटल में। तो मम्मी जो है हम लोग को बैठने बोल रही है, तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। मेरी दीदी जो है बैठ रही है और मैं भी बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पर खाने के लिए तो मास्क उतारना ही पड़ेगा, तो हम मास्क जो है उतारे हैं। वैसे हमारा जैक भी आया होटल और मम्मी बोल रही है ऑर्डर करिए ना सर, क्या चाहिए ऐसे, जैक को मम्मी बोल रही थी। वो थोड़ा सुस्त हो गया है, बैठा है बैग में, वो भी थोड़ा हमारे साथ कुछ कुछ खाया। और हमने जो है डोसा ऑर्डर किया है, तो अभी डोसा जो है बन रहा है, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अभी डोसा लाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको खाएंगे। और हमारे साथ हमारा जैक भी खाएगा, उसको मम्मी जो है खिलाएगी थोड़ा सा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ घास ही खा रहा है। यहाँ पर हम लोग का डोसा जो है रेडी हो चुका है और भैया जो है ला रहे हैं। यहाँ आ गया हमारा डोसा, जो देखिए कितना बड़ा बड़ा है हमारा डोसा, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो मेरी दीदी जो है खाना जो है स्टार्ट कर डाली है, और मैं भी खाने स्टार्ट करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको खाने के बाद। मेरे साथ मेरा भाई खा रहा है और मम्मी के साथ मेरी दीदी खा रही है, क्योंकि डोसा बहुत बड़ा बड़ा था तो खाने के लिए हम लोग को एक चाहिए था सपोर्टर। तो मम्मी दो ही प्लेट मंगाई थी क्योंकि हम लोग चार ही लोग थे। और यहाँ पर मैं जैक को लेके जा रही थी, तो मेरी दीदी बोली कि देखी जैक है कि नहीं करके, तो उसी को हम लोग चेक कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग घर जा रहे हैं, तो वहाँ झाड़ू जो है बहुत ही पतला हो गया था, तो यहाँ हम लोग झाड़ू ले रहे। देखिए यहाँ हम पहुँच गए अपने घर, और मैं आपको इसका होम टूर ज़रूर कराऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने घर के अंदर। यहाँ पहुँच गए हम अपने किचन गार्डन में और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।